हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो काउंसलिंग फॉर्म जारी किया गया है, जो CSAS PG का जो पोर्टल है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाओगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपको DU में एडमिशन लेने से पहले CSAS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होता है, जब आपका CUT PG का रिजल्ट आ जाता है। तो रिजल्ट आ चुका है, अच्छा हम आपको बताएंगे कैसे आपको फॉर्म भरना है। पहले आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है। डायरेक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक का दे दो, वरना आप इसको कॉपी कर सकते हो pgadmission.uod.ac.in, जिस पर आपको डायरेक्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने हैं। पहला कि ये 2024-25 के लिए रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हमें नहीं पढ़ना, हमें पता है। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, आपने न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया, डांस के आप कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें वो ही स्टूडेंट एलिजिबल रहेगा जिसने CUT PG का फॉर्म भरा होगा, ठीक है। और एंट्रेंस टेस्ट में जो भी नंबर होगा उसी के बेस पे आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। अब इसमें क्या क्या आपको लेगा, पहले अप्लाइंग द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम एंड डिपार्टमेंट कॉलेज। देखिए, पहले आपको अप्लाई करना है दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, फिर आपको प्रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम डिपार्टमेंट कॉलेज के लिए फिल करना है कि कौन सा प्रेफरेंस है आपके, मतलब कौन कौन सा प्रोग्राम है, किस किस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, उन कॉलेज की लिस्ट होगी, उसको आपको डालना है। फिर एलोकेशन कम एडमिशन के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होगा। फीस की बात की जाए, फीस इसमें रहेगी अनरिजर्व OBC NCERT EWS की 250 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। SC ST की 100 रुपये रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, हमने देख ली admission.dod.ac ऑफिशियल वेबसाइट होगी। अब लॉगिन करना कैसे, रजिस्ट्रेशन सिंपल है। यहाँ पे आपको CUT PG का नंबर, एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना DOB डालना है, जो भी CUT PG में एप्लीकेशन फॉर्म में DOB है वो डालना है, कैप्चर डालना, रजिस्टर पर क्लिक करना है, आपका पोर्टल जो है लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही पोर्टल लॉगिन हो जाएगा, देन उसके बाद आपको अपनी डिटेल डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, किस प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हो, कॉलेज सिलेक्ट करने में कई सारे प्रेफरेंस होंगे। देन उसके बाद आपसे डिटेल मांगी जाएगी, ग्रेजुएशन की कुछ डिटेल, बैंक अकाउंट की डिटेल। देन उसके बाद आपका पेमेंट होगा, पेमेंट होने के बाद बस आपको वेट करना है, फिर की कट ऑफ आएगी। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी जो होता है, थैंक यू।